हमें 500-600 रुपए में मिली थी। चित्र आपको दिख जाएंगे, आपका खून भी उबाले मार सकता है। प्रकट होने के बारे में, मेरा नाम अबुल बरकत है। एकाएक बाबरी मस्जिद में कुछ चांदनी सा नजर आया। भीतर एक बहुत ही खूबसूरत 4-5 साल के बच्चे की सूरत नजर आई। उसके सिर के बाल घुंघराले थे, बदन मोटा ताजा, खूब तंदुरुस्त था। सगे भाई खत्म हो गए थे गोली कांड में। बाकी मुझे नहीं पता कि मंदिर ऐसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा। ये देखकर और अच्छा लगा कि ये लोग अपने जूते चप्पलों को उतार रहे हैं, उसके बाद ही काम कर रहे हैं। अयोध्या का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही सस्ता और जायकेदार है। तुलसी की लकड़ी से इस तरह की माला बनाई जाती है। इसके बाद हमें दिखाई थी अयोध्या में ठीका। वैसे तो अयोध्या में धर्मशालाएं बहुत हैं, लेकिन यदि आप अयोध्या में आए हो और लंबे समय तक यहाँ रुकना चाहते हो तो हमारा सुझाव होगा कि आप अयोध्या में किसी धर्मशाला में ही रुके, क्योंकि यहाँ पर होटल आपकी जेब फाड़ देंगे। यदि हम अपने रुकने वाली धर्मशाला की बात करें तो वो ये नहीं थी, ये वाली थी जो कि हमें 500-600 रुपए में मिली थी और ठीक ठाक थी। बाकी सुबह सुबह सूरज महाराज के दर्शन इस धर्मशाला की छत से हमें मिल रहे हैं और साथ साथ ही अयोध्या शहर के दर्शन भी हम कर पा रहे हैं। सुबह का नाश्ते में कुल्हड़ की चाय और ये मस्त से ब्रेड पकौड़े। उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो पहुंच गए समोसा गुजिया खाने। बाकी आपको बता दूं कि ये 1-8 साल पुराना वीडियो है, जब अयोध्या की नवनिर्मित जो अभी मंदिर बनाए भवन मंदिर भवन उसका निर्माण नहीं हुआ था। और हमारे पुरानी अयोध्या वीडियोज को आप देख लीजिएगा तो आपको इस पूरी सीरीज का पूरा आनंद मिल जाएगा। तो जी नाश्ते का आनंद लेने के बाद हम पहुंच गए सरयू घाट और यहां से किया एक रिक्शा जो हमें अयोध्या की तंग गलियों से ले जाएगा कार सेवक पुरम। जी हां, वही कार सेवक पुरम जो कि विश्व हिंदू परिषद का गढ़ और मंदिर आंदोलन का संचालन केंद्र रहा था। बाकी अयोध्या की गलियों में ऐसी जाम की स्थिति आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। कार सेवक पुरम में ऐसा कुछ देखने वाला नहीं था। हाँ, जगह जगह आपको मंदिर आंदोलन से संबंधित चित्र आपको दिख जाएंगे, आपका खून भी उबाले मार सकता है। बाकी कार सेवक पुरम अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की पहचान बना हुआ है और प्रशिक्षण सत्र का भी यहाँ आयोजन होता रहता है। यही वजह है कि आज भी सैकड़ों लोग आते हैं और यहाँ पे रोजाना मुफ्त का भोजन पाते हैं। कार सेवक पुरम से निकल कर हम पहुँच गए मंदिर निर्माण कार्यशाला तक। जी हाँ, वही स्थान जहाँ मंदिर बनने की तैयारी कई सालों से चल रही थी। अंदर जाते ही बोर्ड दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें किसी अबुल बरकत जो कि शायद कभी हवलदार थे 1949 के टाइम पे, तो उनका एक इंटरेस्टिंग सा बयान दिख रहा है भगवान के प्रकट होने के बारे में। आइए इसको पढ़ते हैं। मेरा नाम अबुल बरकत है, मैं श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया हूँ। आज तक कोई कार्रवाई हिंदुओं की ओर से नहीं हुई जो गैर कानूनी कही जा सके। 22-23 दिसंबर की रात के लगभग 2 बजे जबकि मैं ड्यूटी पर तैनात था, एकाएक बाबरी मस्जिद में कुछ चांदनी सा नजर आया। मैं गौर से उस ओर देखने लगा, इसी बीच मुझे मालूम हुआ जैसे एक गबी खुदाई रोशनी मस्जिद के भीतर हो रही है। धीरे धीरे वह रोशनी सुनहली होती गई और उसके भीतर एक बहुत ही खूबसूरत 4-5 साल के बच्चे की सूरत नजर आई। उसके सिर के बाल घुंघराले थे, बदन मोटा ताजा, खूब तंदुरुस्त था। मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं सपने की हालत में हो गया। मैं कह नहीं सकता कि मेरी ऐसी हालत कब तक रही, तब तक होश में आया तो देखता हूँ कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ है और मस्जिद के अंदर हिंदुओं की बेशुमार भीड़ घुसी हुई है, जो कि एक सिंहासन जिस पर कोई बुत रखा हुआ है उसकी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते हुए आरती उतार रहे हैं। बस चटपट मैंने ऑफिसरों के पास इसकी खबर भिजवाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो जी ये 23 दिसंबर 1949 में हवलदार अबुल बरकत जी के बयान था। अब ये कितना सच्चा है कितना नहीं उसकी तो हम तसल्ली नहीं दे सकते। चलिए बाकी आगे चलते हैं। ये कोई अयोध्या के गाइड साहब हैं, चलिए इनकी भी कुछ बातें सुनते हैं। राजा रामचंद्र की
कठारू बंधु सगे भाई खत्म हो गए थे गोली कांड में, पहला गोली कांड कार सेवक में जो हिंदू लोग मर गए थे। ये बाबरी मस्जिद है तीन गुम्बद, जो 6 दिसंबर को हिंदू लोग गिराए थे शिवसेना वाली, ऐसा था मस्जिद जो बाबर लोग बनाए थे। अब वहाँ पे सब खत्म, सिर्फ मंदिर अब बन रहा है। इधर यहाँ पे 10 साल पहले से काम चल रहा है। 5 अगस्त को मोदी जी आए थे 2020 में राम मंदिर पे शिला पूजा की, तब से मंदिर का काम स्टार्ट हो गया। जितना सामान आता डायरेक्ट राम मंदिर में जा रहा, वही काम हो रहा है। ये पत्थर राजस्थान जोधपुर से आता है, इसमें सिरमिट गिट्टी नहीं लगेगा, साचा बना हुआ है, लंबर पड़ा है, उठा उठा के फिट करेंगे उधर में। अब लोग ऐसी जगह पर भी अपनी सेल्फी और फोटो लेने में बिजी हैं। बंद हो गया, जैसे अंदर पहुंचने से बंद हो गया। ये जो स्थान है, इस स्थान में श्री राम के वन में बिताए हुए समय को दर्शाती हुई पूरी झांकी लगी हुई है। यहाँ पर मंदिर कैसा बनेगा उसके बारे में लिखा हुआ है, और ये पूरा मंदिर कैसा दिखेगा उसकी प्रतिकृति बनी हुई है। बाकी मुझे नहीं पता कि मंदिर ऐसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा, ये पहले के टाइम का है। और अगर आपको लगता है ऐसा ही मंदिर बन रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा एक भव्य घंटा। मंदिर निर्माण में जो लगे हुए मजदूर हैं उनको देखना काफी सुखद लग रहा था, और ये देखकर और अच्छा लगा कि ये लोग अपने जूते चप्पलों को उतार रहे हैं, उसके बाद ही काम कर रहे हैं। उसके बाद अब हम आ गए हैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास, और यहाँ एक बार फिर से हम ब्रेड पकौड़े ही खा रहे हैं। अब ये जो इनकी दुकान में आप जाली देख रहे हो, इसका कारण है इस क्षेत्र में घूमते बंदर जो कि बहुत सारे हैं, और ये आके इनकी दुकानों से सामान उठा लेते, इसलिए इस तरह की जाली यहाँ दुकानदार लगा के रखते हैं। घूमते घूमते हमें रात हो गई, और फिर से रात में भी हमने पकौड़े ही खाए। और सचमुच अयोध्या का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही सस्ता और जायकेदार है। उसके बाद हमें देखिए ये तुलसी की माला, जिसे हम फर्स्ट टाइम बनते हुए देख रहे हैं कि भाई तुलसी की लकड़ी से इस तरह की माला बनाई जाती है। बाकी हमने भी इनसे कुछ मालाएं खरीदी। अच्छा होता है, पहला पैर के देखो, देखो अपनी सफलता होती है। हम एक महीना अपने आप भाव बदल जाए। ये सारी तुलसी है? हाँ, तुलसी के तो इन्हीं से अलग अलग साइज के बनाते हैं आप? हाँ। अब छोट पतला से पतला निकालने, ये पतला कैसे निकालते हैं? इसके बाद हमें दिखाई थी अयोध्या में ठेका। जी हाँ, ठेका देशी चाय का। बढ़िया यार, अयोध्या के लोग भी मार्केटिंग करना सीख गए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको असली अयोध्या देखनी है और आपने अभी तक हमारी अयोध्या सीरीज की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी हमारे चैनल में देख लें, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगली वीडियो में अयोध्या के गुप्तार की घाट की यात्रा में हमारे साथ जरूर चलें। धन्यवाद।